गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू बच्चों, आज ये जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का लेक्चर नंबर 1 होगा। वैसे तो ये ऑफलाइन क्लास में हम लोग 2-3 लेक्चर ले लिए थे, लेकिन अभी ये जो ऑनलाइन क्लास में ये आपका लेक्चर नंबर 1 होगा। और हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम लोग ऑफलाइन क्लास में फिनिश किए थे, कि हम लोग उस समय थे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, अभी यहीं से ऑनलाइन क्लास में भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके हम क्लास में भी कुछ डिस्कस किए थे, लेकिन अभी जो है कि हम फिर से कुछ बता दे रहे हैं इसके बारे में, कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या मेल स्टेरिलिटी या डाइकोगेमी, ये सब टर्म्स क्यों आए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा आउटब्रीडिंग डिवाइस। ठीक है, ये आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है। डिवाइसेस विच इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन एंड डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मतलब कि ऐसा कोई तकनीक अपनाएं, ऐसा कोई माध्यम अपनाएं जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा हो, ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो कम हो या ना हो, तो इसको क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस। फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ऐसा कोई तकनीक, ऐसा कोई माध्यम या ऐसा कोई मतलब हम लोग ऐसा कोई माध्यम अपनाएं जिसमें कि हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को कम कर दें, ठीक है, या उसको नहीं के बराबर करें और क्रॉस पॉलिनेशन को ज़्यादा बढ़ावा दें। तो ऐसे तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब आप लोग के दिमाग में, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा सेल्फ पॉलिनेशन को कम क्यों किया जा रहा है। ऐसा इसलिए हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस के चैप्टर में पढ़े थे कि भाई अगर कोई प्रोजनी है, ठीक है, अगर कोई संतति है, वो अपने पूर्वज से बेटर होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा विगर होना पड़ेगा। मतलब ऐसे ऐसे पेरेंट्स से उनका मतलब माता पिता इतने दूर दूर क्यों हो, जितना ज़्यादा उनका दूरी रहेगा वो उतना ही ज़्यादा उसमें ओझता आएगी, और अगर जितना कम रहेगा तो वो जितना नज़दीकी रहेगी उसमें उनके संतति में उतना ही कम विगर होगा। ऐसे अगर हम दूसरे शब्द में कहें तो सपोज़ दैट अगर एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर है, ठीक है, बाईसेक्सुअल प्लांट है जिसको कह सकते हो, तो बाईसेक्सुअल प्लांट में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर है, तो वो प्लांट अपने अपने मेल और फीमेल मतलब वो जो है कि जो उसका स्टेमन है वो स्टिग्मा को जो है कि पॉलिनेट करेगा, और उसका पॉलिन ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पे आएगा और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसमें ये होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन लगातार अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो उसका विगरनेस है, जो ओझता है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको बाहरी दुनिया का पता ही नहीं चला, वो बार बार उसमें ही मेल फ्लावर है, उसमें ही फीमेल फ्लावर है, तो बाहर क्या वेरिएशन है, क्या विभिन्नता है, वो प्लांट उस समझ ही नहीं पाया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 8, 9, 10 पीढ़ी तक हम लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो प्लांट में क्या होगा, विगरनेस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्लांट क्या हो जाएगा, एकदम रिसेसिव हो जाएगा। हैं, तो इसीलिए हमको क्या होना पड़े, मतलब इस हमको क्या इसलिए तकनीक की ज़रूरत पड़ी, आउटब्रीडिंग डिवाइस की इसलिए ज़रूरत पड़ी ताकि उसमें हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कराएँ, ताकि वेरिएशन आए, विभिन्नता आए और ज़्यादा से ज़्यादा हमको विगरनेस देखने को मिले। ठीक है, समझ में आया। अगर तो इसका यही मतलब हुआ कि हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन जितना ज़्यादा प्रिफर करेंगे, जितना ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, उतना ज़्यादा वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन के थ्रू इवॉल्यूशन होगा, इवॉल्यूशन के थ्रू क्या होगा, विगरनेस आएगा, ओझता आएगा प्लांट में। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर एंड पॉलिन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। देखिए हर्माफ्रोडाइट फ्लावर मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट, मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों हों, तो ज़्यादातर फ्लावर ऐसे ही होते हैं, और भाई वो अपने ही स्टिग्मा और स्टेमन, मतलब जो स्टिग्मा होता है वो स्टेमन से मिल जाएगा, और इससे क्या होगा, प्लांट क्या होगा, लगातार इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब कि लगातार उसमें सेल्फिंग होने के कारण वो रिसेसिव हो जाएगा, उसमें विगरनेस जो ओझता है वो ख़त्म हो जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखिए लिखा है कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इज
इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, ओजता उसकी प्लांट की खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ही सेल पॉलिनेटर प्लांट, मतलब अगर जिस प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर एक ही में हो तो वो ऑब्वियस है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है तो उससे क्या होगा, प्लांट में 8 9 10 पीढ़ी बाद, 9 10 पीढ़ी बाद क्या होता है, उसमें जो रिसेसिव करेक्टर है उसका वही जो है मेन बन जाता है, मतलब वो रिसेसिव करेक्टर ज़्यादा ऊपर आ जाता है, तो उससे क्या होगा, प्लांट अपना विगरनेस ख़त्म कर देगा, ठीक है। इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है, और जो लगातार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ही रोकना है, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ। देखो लिखा है कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं, हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस, कई तरह के डिवाइसेस जो है डेवलप करते हैं ताकि क्या किया जाए, डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को कम किया जाए। अब कैसे, अब यही तकनीक हम लोग को आगे देखना है, ठीक है। इसमें कई तकनीक हैं तो कि हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को कम करेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देंगे, तो इसमें कई सारे तकनीक हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, पहला लिखा है आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन को हमको इनक्रेज करना है, जिसमें पहला है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब क्या होता है, डाइको ग्रीक वर्ड डाइका से बना है, और गैमस मतलब, डाइका का मतलब होता है टू मतलब दो, और गैमस मतलब मैरिज, मतलब दो लोगों का यहाँ पे मिलन होगा। हेयर इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर एंथर्स एंड स्टिग्मा नेचर एट डिफरेंट टाइम्स सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन इज इनहिबिटेड। देखिए प्लांट तो बाइसेक्सुअल रहेगा, ठीक है, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होंगे, लेकिन इनके जो मेच्योरिटी का टाइम है वो डिफरेंट होगा, इससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन इनहिबिटेड होगा। और इसको आसान भाषा में समझते हैं, जैसे हम लोग दो टर्म लेते हैं, एक होता है प्रोटेंडरी, एक होता है प्रोटोगाइनी। अगर एक ही प्लांट में पहले मेल फ्लावर पहले मैच्योर हुआ, ठीक है, बाद में फीमेल फ्लावर हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेंडरी। फिर से समझ लेते हैं, पहले मेल फ्लावर जो है वो पहले मैच्योर होगा बाद में फीमेल फ्लावर मैच्योर होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोटेंडरी। और प्रोटोगाइनस मतलब क्या होता है, कि पहले जो है फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर होगा और बाद में क्या होगा, मेल फ्लावर मैच्योर होगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनस। बात समझ में आ रही है, जैसे इसका मतलब ये हुआ प्रोटेंडरी और प्रोटोगाइनस का, मतलब एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी है फीमेल फ्लावर भी है, तो भाई मेल फ्लावर है फीमेल फ्लावर है तो ऑब्वियस है कि भाई वो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, लेकिन हमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है, चेक करना है। तो कैसे करते हैं, ये प्लांट का ही अपना खुद का ये कैरेक्टर है, वो अपने आप को फिर कैसे करेगा, प्रोटेंडरी। प्रोटेंडरी में क्या हो जाएगा कि भाई पहले मेल फ्लावर मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, और फीमेल फ्लावर मैच्योर नहीं हुआ, तो मेल फ्लावर जिसका मैच्योर हुआ तो वो प्रोटेंडरी हुआ, और किसी अन्य प्लांट का फीमेल फ्लावर मैच्योर हो गया तो भाई अपने प्लांट का तो फीमेल फ्लावर मैच्योर अभी हुआ नहीं है, तो जो मेल फ्लावर है वो दूसरे प्लांट को क्या करेगा, दूसरे प्लांट का जो फीमेल फ्लावर है उसको उससे जाकर पॉलिनेशन करेगा, तो इससे क्या हो गया, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। तो इस विधि को क्या बोल देंगे, प्रोटेंडरी। इस टर्म को क्या बोलेंगे, प्रोटेंडरी। इसी तरीके से प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनस मतलब क्या होता है, अगर किसी का फीमेल फ्लावर है, किसी का फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर हो गया और उस प्लांट का अभी उसी प्लांट का मेल फ्लावर मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो दूसरे किसी जिसका मेल फ्लावर मैच्योर हुआ है उससे जाके पॉलिनेशन करेगा, तो इस मेथड को क्या बोलेंगे, प्रोटोगाइनी, ठीक है। और इन दोनों को, प्रोटेंडरी और प्रोटोगाइनस, इन दोनों टर्म को एक बार में हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकोगैमी। क्या बोलते हैं, डाइकोगैमी। इसमें समझना बस इतना है कि डाइकोगैमी में जो मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर है उनका जो मैच्योरिटी टाइम है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। प्रोटेंडरी और प्रोटोगाइनस, जिसमें मेल फ्लावर पहले हुआ वो प्रोटेंडरी, जिसमें फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर हुआ वो प्रोटोगाइनस, ठीक है। ये भी एक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, जिसमें क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है ड्यू टू डिफरेंट जो है कि डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, डिफरेंट जो उसका मेच्योरिटी टाइम्स है उसको लेकर के सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
आउट ब्रीडिंग डिवाइस में हेटरोस्टाइली। अब इसमें क्या है भाई, देखो हम लोग प्लांट में के फ्लावर को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्टेमन और स्टिग्मा, मतलब स्टेमन मतलब मेल पार्ट और स्टिग्मा मतलब फीमेल पार्ट, अगर स्टेमन और स्टिग्मा एक ही सेम साइज के हों, ठीक है, तो वो आसानी से स्टेमन स्टिग्मा पे आएगा और पॉलन ट्यूब बनाएगा और आराम से वो पॉलिनेशन हो जाएगा, लेकिन रिप्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या होता है अगर स्टिग्मा का साइज छोटा हो और स्टेमन का साइज बहुत बड़ा हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आसानी से उस प्लांट का स्टेमन का स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा और प्लांट क्या हो जाएगा, पॉलिनेट हो जाएगा। लेकिन सपोज दैट स्टिग्मा का साइज बड़ा हो और स्टेमन का साइज कम हो, छोटा हो, ठीक है, तो जो स्टेमन का साइज छोटा होगा तो वो और स्टिग्मा का साइज बड़ा होगा तो वो कैसे अपने फ्लावर को उसी फ्लावर को कैसे वो पॉलिनेट करेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेमन का साइज छोटा है और स्टिग्मा बड़ा है तो ऊपर तक तो जा नहीं पाएगा। तो ये स्टेमन क्या करेगा, दूसरे किसी फ्लावर को किसी भी विधि से, हवा के विधि से या एनिमल के विधि से, किसी भी विधि से वो जाकर के दूसरे किसी फ्लावर को वो पॉलिनेट करेगा, उसी स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। इसको इसको क्या बोलते हैं, हेटरोस्टाइली, ठीक है। फ्लावर हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइट ऑफ स्टाइल्स एंड स्टेमन्स, ठीक है, स्टाइल और स्टेमन का, स्टिग्मा और स्टेमन का जो है हाइट जो ऊपर नीचे होता है, इससे भी क्या होता है, सेल पॉलिनेशन चेक होगा और क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड डिवाइस है वो क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होता है। दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर आर अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाई इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन आर पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। मतलब हाँ, मतलब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें होगा क्या, ये जेनेटिक रेगुलेट होगा। जेनेटिक रेगुलेशन का कैसे होगा कि अगर एक ही प्लांट का स्टिग्मा है और एक ही प्लांट का स्टेमन है तो वो एक दूसरे को सेंस करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को पहचानेंगे, ठीक है। वो ऐसा भाई अगर एक ही प्लांट का स्टिग्मा और स्टेमन है तो एक ही प्रोटीन से बना होगा और एक ही प्रोटीन से बनने के कारण वो एक दूसरे को पहचानेंगे, ठीक है, सेंस करेंगे। तो अगर स्टेमन जो है उसी प्लांट का होगा तो वो स्टिग्मा पे जाएगा तो स्टिग्मा क्या करेगा, उसको डिस्करेज कर देगा, हटा देगा, उससे पॉलिनेट नहीं होगा, बोलेगा भाई तुम हमारे ही प्लांट के हो तो हम तुम्हें पॉलिनेट नहीं होने देंगे, ठीक है, तो वहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर उसी प्लांट और अगर दूसरे प्लांट का कोई भी स्टेमन आ रहा है, ठीक है, उस स्टिग्मा पर, तो वो उसे सेंस करके बताएगा कि हाँ ठीक है ये पॉलिनेशन हो सकता है और प्लांट पॉलिनेट हो जाएगा। देखते हैं ये फिगर और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो स्टिग्मा है वो S1S2 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 का है, ठीक है, और जो स्टेमन है वो क्या है, दाहिने तरफ से चलिए तो देखिए इसमें लिखा है S1 और S2। मतलब अगर S1S2 का स्टिग्मा है और S1S2 ही स्टेमन भी है, ठीक है, तो मतलब पॉलन है, तो S1 और S2 सेंस कर लिया, देख लिया कि अरे ये तो मेरे ही प्लांट का है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कट, मतलब कि ये पॉलिनेशन नहीं होगा। सेकेंड में देख रहे हैं S1 S2 का स्टिग्मा है और S3 और S1 है, ठीक है, S3 और S1, तो S1 है तो S1 तो सेंस कर लिया, कहा नहीं भाई तुमसे जो है वो पॉलिनेशन नहीं होगा, लेकिन S3 वाला क्या करेगा, पॉलन ट्यूब बनाकर पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। और थर्ड वाले में जो सबसे बाएं तरफ है उसमें क्या है, S1 S2 जो स्टिग्मा है उसके ऊपर S3 और S4 स्टेमन है, तो S3 और S4 स्टेमन क्या करेगा भाई, ये तो एकदम डिफरेंट है, कहाँ नीचे S1 S2 कहाँ ऊपर S3 S4, तो वो दोनों क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब बनाएंगे और फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। बात समझ में आई कि स्टिग्मा क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है कि वो मेरे ही प्लांट का है या दूसरे प्लांट का, अगर एक ही प्लांट का है भाई, एक ही प्रोटीन से बना होगा, तो ये जेनेटिक है, जेनेटिक रेगुलेशन है। देखिए फिर से समझ लेते हैं, S1 S2 का स्टिग्मा था तो अगर उस पर S1 S2 का ही स्टेमन आएगा तो क्या होगा, पॉलन आएगा तो उससे वो
फर्टिलाइज नहीं होगा। सेकेंड वाले में S1 S2 है और S1 S3 है, तो S1 वाला, तो S1 वाले को पहचान लिया तो उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, S3 वाला अपना फर्टिलाइजेशन करेगा। और S1 S2 में S3 और S4 आएगा तो जो पॉलेन आएगा उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलेन विल नॉट जर्मिनेट ऑन जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल प्रोमोट आउट क्रॉसिंग, मतलब अगर सिमिलर जेनेटिक होगा, मतलब एक ही जेनेटिक मेकअप का होगा तो उससे पॉलिनेशन नहीं होगा, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप का होगा तो उससे पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर एक ही जेनेटिक मेकअप का है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, और दूसरे डिफरेंट जेनेटिक मेकअप का है तो वो उससे क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, जैसे अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, आप इसको मेल स्टेरिलिटी भी कह सकते हो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि उसमें एक ही तरह का जो है कि या तो किसी प्लांट में मेल ही होगा या किसी प्लांट में फीमेल ही फ्लावर होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और बाईसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलते हैं, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर। तो भाई देखो, अगर एक सपोज दैट अगर किसी में फीमेल फ्लावर है, ठीक है, और उसमें मेल फ्लावर नहीं है, तो मेल फ्लावर नहीं है तो जिस भी प्लांट का मेल फ्लावर होगा वो आके फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज केस्टर एंड मेज मोनोसियस, इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट गेटिनोगेमी, ठीक है। इसका मतलब यही है, आप साधारण भाषा में समझिए कि अगर एक प्लांट में एक ही तरह का फ्लावर है, मतलब या तो मेल फ्लावर है या तो फीमेल फ्लावर है, इससे क्या होगा, यह क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, क्योंकि भाई मेल फ्लावर के पास मेल फ्लावर है, उसके पास फीमेल फ्लावर नहीं है, तो ऑब्वियस है कि मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर के पास जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, या फिर जो फीमेल फ्लावर है वो मेल फ्लावर के पास आएगा, तो इससे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन इनक्रेज होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होगा और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक। तो ये सब क्या था, ये हम लोग क्या अभी समझ रहे थे, आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है कि हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को कम करें और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दें, क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिले, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा प्लांट में विगरनेस उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इस विगरनेस को बढ़ाने के लिए हमको क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा कराना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म थे, जिसमें हम लोग डाइकोगैमी के बारे में पढ़े, डाइकोगैमी में प्रोटेंड्री प्रोटोगाइनस के बारे में पढ़े, और हेट्रोस्टाइली के बारे में पढ़े। हेट्रोस्टाइली में मतलब कि स्टेमन और स्टिग्मा का साइज डिफरेंट हो, ठीक है। फिर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में पढ़े कि भाई अगर एक ही तरह के जेनेटिक मेकअप का स्टिग्मा स्टेमन होगा तो वो उसे सेंस कर लेगा और उससे पॉलिनेट नहीं होगा, और डिफरेंट टाइप का अगर स्टेमन और स्टिग्मा होगा तो उससे वो सेंस करके पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। और हम लोग इसके बारे में पढ़े मोनोसियस प्लांट के बारे में, कि भाई अगर एक प्लांट में अगर केवल फीमेल फ्लावर हो या एक प्लांट में केवल मेल फ्लावर हो तो उससे क्या होगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन को ही इनक्रेज करेगा, ठीक है। तो ये सब क्या थे, ये सब टेक्निक्स थे टू इनक्रेज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। आई थिंक जितना भी मेरा प्रयास रहा होगा अब तक मेरी बात पहुंची होगी, आप लोग को समझ में आया होगा। एक लेक्चर को एक या दो बार सुनिएगा तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और अगर कोई भी बात कुछ भी अगर इस चैप्टर में ना समझ में आया हो, इस तो ठीक है, इस टॉपिक में ना समझ में आया हो तो आप हमको जो है कि मैसेज कर लीजिएगा ग्रुप में, या फिर हमें पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है, या फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक, तो हम बता देंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरा लेक्चर ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।